आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की, नहीं 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 रावी की, ओए नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, वो साडा पिंड है धर्मपुरा, इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पास डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुण पै गया स्यापा, पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। मजा आया ना? वाओ, इतनी अच्छी स्कूटर है। तू भी जिस भी चाचू से कहकर ऐसी एक स्कूटर मंगवा ले, संडे के स्कूटर रेस में तू मेरा पार्टनर है। मैं भी चलूं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ओए जमी, हम कहीं भी जाए, हम पटना जाए या मून पे, तुझे क्या है? जब देखो तब बीच में टांग अड़ती रहती है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मंकी। जमी, हम लोग अभी सीरियस बात कर रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से अभी चुपचाप चली जा। मुझे भगा रहा है, देखती हूँ कैसे पार्टिसिपेट करता है रेस में। चाचा गए बंदरिया, तू भी जो ना उससे लड़ाई करता रहता है, तुझे ना आज ही साइकिल मंगवा ले। हाँ, प्रैक्टिस भी तो करनी है। हाँ, और रेस भी जीतनी है। ये यस, किधर फोन आ गया? हाँ बलजीते, पैसे? बलजीते यार, इस बार ना मैं ना तुझे आधे पैसे दे पाऊंगा। हाँ, क्योंकि ना खर्चा बहुत बढ़ गया और हाथ ना मेरा बहुत तंग है इस बार। नहीं तो तू तो जानता है मुझे, हैं, जसवीर सिंह कभी भी लेट नहीं होता, महीना खत्म होने से पहले पूरी की पूरी पेमेंट कर देता है ना। तो भाई इस बार थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। हाँ चंगा भाई, सत श्री अकाल, थैंक यू। पापा जी, पापा जी। की होया खोतिया, सारी गिनती भुला दी, अब क्या कर दिया तूने? कुछ नहीं पापा जी। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, ओ इतना हड़दंग क्यों मचाया तूने? पापा जी मुझे स्कूटर चाहिए। स्कूटर चाहिए? ओ तेरे प्यो ने कभी स्कूटर नहीं लेता, तुझे स्कूटर चाहिए? अरे पापा जी वो बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला बच्चों का। मैं और रविंदर रेस में जा रहे हैं। ओ खोतिया, और अगर रेस में जाना है तो भागने वाली रेस में जाना, स्कूटर वाली रेस में जाके क्या करेगा है? देख मैं स्कूटर नहीं दिला सकता, जा। क्यों? अब पैसे नहीं है तेरे पे ओगल। तो ये क्या है? ओए तेरे लिए नहीं है, तेरे को पता है किन्ने खर्चे हैं कर दे, और इस बार तो खर्चा और ज्यादा बढ़ गया। ओए खोते दे पुत्र, अपने आप को गाली दे रहा हूँ। खोतिया तुझे पता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बड़ी मेहनत करके कमाना पड़ता है, समझा? ओ इस बार ओवर बजट हो गया है पुत्र, मैं तुझे इस बार साइकिल लेके या स्कूटर लेके नहीं दे सकता। डिंग डांग डिंग 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 डांग डिंग 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 डांग डिंग 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 डांग डिंग डिंग डिंग। वो शॉपसी का गाड़ी और तेज बहादुर का पसीना, चलता है स्कूटर बन के हसीना। वो हम आपका स्कूटर तो अपने ट्रक से भी ज्यादा चमका दिया है, वो हमको तो अपना कपड़ा चमको साबुन से चमकाना था। हम जाता है, तुम अपना स्कूटर संभालो। डिंग डांग डिंग 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 डांग डिंग 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 डांग। अरे रोहन, तूने खाना नहीं खाया क्या? अच्छा तेरी स्कूटर कब आ रही है? अरे मुंह से बोलना। इसका मतलब कि पापा जी ने स्कूटर दिलवाने से मना कर दिया। हाँ? मना कर दिया? देखा, मुझे नहीं ले जा रहे थे ना, अब बैठो अल्टी फल्टी मार कर। चुप बैठ। लेकिन क्यों? पापा जी बोल रहे थे
ओ खोते ते पुत्तर, पैसे पेड़ में नहीं उगते, बजट ओवर हो गया है, ऐसा कह रहे थे पापा जी। सॉरी रविंदर, अब रेस में तू अकेला ही चला जा। अरे रोहन सुन तो, रोहन है तेरे बिना कैसे रेस में चला जाऊंगा? मैं चलो तेरे साथ क्यूटी पाई। चुप बैठना। मम्मी ये बजट क्या होता है? बजट? और तूने कहाँ सुन लिया बजट? टीवी शीवी में देखा है क्या? अरे नहीं मम्मी, जिस भी चाचू जो है ना रोहन को टॉय स्कूटर खरीद कर नहीं दे रहे हैं और कह रहे कि बजट बहुत बढ़िया है, खुदते थे पुत्र। ओए होए, बजट पूछना तूने कि बजट क्या होता है? बताती हूँ तुझे। देख, जैसे वसाखी पे मैंने तुझे 100 रुपए दिए थे और तूने बस वही चीजें खरीदी थी जो तुझे चाहिए थी, जिनकी तुझे जरूरत थी, और मेरे ख्याल से 10 रुपए भी बचाए थे तूने। हाँ मम्मी, मैंने तो 10 रुपए भी बचा लिए थे। बस इसी तरह हर घर में जितनी कमाई आती है तो पैसों के हिसाब से जितने खर्चे प्लान किए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं बजट। समझ गया? हाँ मम्मी मैं समझ गया, लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए मम्मी, किचन में कुछ चल रहा है। और चल हर तेल छड़ गया तेरे ना, गल्ला करने कर दे। हाँ रोहन का स्कूटर कब आएगा? शायद मैं नहीं जा पाऊंगा रेस में। आप सब लोग इधर बैठे हैं बाबा, हम पूरा घर ढूंढ लिया। चलो फटाफट दूध पियो, सारे लोग दूध पियो, सेहत के लिए अच्छा होता है, पी लो फटाफट। नहीं बहादुर अंकल, जब तक हम लोग ये नहीं सोच लेते कि रोहन के लिए स्कूटर कैसे लाएंगे, तब तक हम लोग दूध नहीं पियेंगे। ट्रक खरीद, मेरा मतलब स्कूटर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? कितने का हो ये स्कूटर? 1150 रुपए। इतनी तो मुझे गिनती भी नहीं आती। अरे बाप रे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे बहादुर अंकल? पापा जी से। किसी से भी पैसे नहीं मांगेंगे, दादू से भी नहीं। हाँ पर क्यों नहीं मांगेंगे रविंदर? अरे बुद्धू बताया नहीं था घर का बजट बहुत बढ़ गया है, अब कहाँ से लाए पैसे? तो फिर आपको ट्रक चलाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर मेरी तरह काम करना पड़ेगा। कर सकते हो? नहीं। तो फिर एक आइडिया है। क्या? आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस? बिजनेस कैसे करेंगे अंकल? मान लो एक ट्रक खरीदा 10 रुपए का। 10 रुपए में ट्रक कैसे आएगा बहादुर अंकल? अच्छा थोड़ा सिंपल करते हैं। मान लो आपने सब ने मिल के 10 रुपए का एक चॉकलेट खरीदा और उसको 15 रुपए में बेच दिया। चॉकलेट? सारी चॉकलेट तो मैं ही खा जाऊंगा, तो फिर ये दोनों क्या खाएंगे? खाना नहीं है, बेचना है। फिर से शुरू करते हैं। मान लो 10 रुपए का एक चॉकलेट खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, तो तुम लोगों ने 5 रुपए सेव कर लिया। फिर आप सब लोगों ने मिल के 10 रुपए का एक और चॉकलेट खरीदा और उसको भी 15 रुपए में बेच दिया। ऐसे करते करते सारा पैसा जब इकट्ठा कर लोगे 1150 रुपए का, तब तुम स्कूटर खरीद सकता है। हैं? क्या आइडिया बहादुर अंकल, चलिए बिजनेस करेंगे। पर रविंद्र बाबा, बिजनेस करने के लिए पैसा कौन से आएगा? पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा की जरूरत पड़ती है। अरे अगर हमारे पास पैसा होता तो हम लोग बिजनेस थोड़ी ना करते। थोड़े पैसे तो चाहिए बिजनेस करने के लिए। ये बंदरिया। सब लोग इतने सैडी सैडी क्यों है? अच्छा रोहन की टाइटन फिश हो गए, रोहन की टाइटन फिश हो गई, रोहन की टाइटन फिश हो गई। ओ जेमी, तू यहाँ से चुपचाप चली जा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आने से थोड़ी ना स्कूटर आ जाएगा, सुपर मंकी। हम अपने दोस्त के लिए नया स्कूटर लेंगे, समझी क्या? बस पैच भीम, मोटी कही की। अरे बस भीम बस। फ्री में थोड़ी ना मिलता है स्कूटर, पैसे कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए हम बिजनेस करेंगे। पर बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा?
और नोट ओके प्लीज पम पम। टोटल हुए 428। पर इसमें भी स्कूटर नहीं आएगा। इतने में बिजनेस तो शुरू हो सकता है ना बाजरंगल? हाँ। पर बिजनेस कौन सा करें? आप बताइए बाजरंगल। वो छोटा शॉप से लोग, वो पंजाब में ना शॉप को चाट खाने का, गोलगप्पा खाने का बड़ा शौक है। गोलगप्पे खाने का शौक तो लड़कियों को शॉप से ज्यादा है। मुझे भी पसंद है। आए? मेरे कहने का मतलब है मुझे भी तो पसंद है। हाँ मुझे भी पसंद है, चलो बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और जैमी तू भी मत बताना अपने पापा को। नहीं नहीं, वो शॉपसी लोग, फिर तो एक प्रॉब्लम है। क्या क्या? अगर आप लोग गोलगप्पा बेचोगे तो सबको आपको पहचान लेंगे। ऐसे चेहरे में जाओगे तो किसे पहचान नहीं लेंगे। हाँ ये सही बात है। आइडिया, पापा वो तीनों पैसे कमा कर रोहन के लिए स्कूटर ले आए तो? अरे बिटिया तुम भी एकदम सुई का छेद के जैसा छोटा छोटा सोचती हो। अरे तनिक बड़ा सोचिए भाई। ये देखिए खबर कितना बड़ा है, हैं? टीवी पर आएगा, अखबार में आएगा, रेडियो पर आएगा, अरे गली गली कूचे कूचे में खबर फैल जाएगा कि इतने बड़े सरपंच चौधरी का पोता सड़क पर गोलगप्पा बेच रहा है। पहले ये खबर अपने सरपंच जी और उस सुकड़ी अमृता भाभी को भी तो पता चले। बड़ा मजा आएगा। पर पापा रोहन का स्कूटर? अरे अपना दिमाग का पिज्जा बना के खा गई होगा। अरे जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो स्कूटर कहां से आएगा? एक तीर से डूठो सिका। मजाक समझियो का बिजनेस को। आओ आओ गोलगप्पे खा, आओ आओ गोलगप्पे खा, आओ आओ गोलगप्पे खा, आओ आओ गोलगप्पे खा। आंटी आंटी? हाँ आंटी। अच्छा आंटी ये बताइए आपको गोलगप्पे खाना है? गोलगप्पे? नहीं नहीं नहीं। यहाँ की तो औरतें गोलगप्पे खाती ही नहीं है। आओ आओ गोलगप्पे खा, आओ आओ गोलगप्पे खा। यार मैं गोलगप्पा खा ही लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, गोलगप्पा मेरे लिए स्कूटर लाने के लिए है। पर एक गोलगप्पा खाने से थोड़ी ना कुछ होगा, एक सिर्फ एक। स्कूटर लाने के बाद छोड़ दो। हम लोग नहीं छोड़ेंगे तेरे स्कूटर खरीदने के बाद। हम लोग तो तेरे लिए स्कूटर खरीद के ही रहेंगे।
सरपंच जी, इस सब फोटो देखने का टाइम आ गया है। हमारा हूँ सरपंच जी। ये कहाँ जा रहा हूँ? मुझे क्या बताया, खुद ही जा कर देख। क्या कर रहा है वो तो बता। ये क्या लेकर बैठा है तू? तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे डिस्टर्ब होगा रोहन अमन। चलो अमन चल, बाद में आएंगे। हाँ देख, गुरु नानक जी की फोटो मैंने अपने हाथों से बनाई है। तू आई गुरु को साथ क्यों लेके आया? मम्मी कहती है कि अच्छे काम करो तो भगवान को साथ में रखो, देखना हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। भाई गुरु का नाम ले और जल्दी जल्दी काम कर चल। तो बड़ी शांति है माजरा की। सरपंच जी, माजरा भी बताएंगे और नजारा भी दिखाएंगे सरपंच जी। और दिखाइए दिखाइए सना साहब, दिखाइए। अरे जब घर का छोटा छोटा बच्चा लोग बाहर सड़क पर बिजनेस करेगा तो घर पर कैसे रहेगा? ओ, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? पहले आपको नजारा दिखाते हैं, उसके बाद माजरा बताते हैं। इधर इधर हमारे पास है सारे रंग। क्या बताएं सरपंच जी, ये सब देख करके हमारा दिल तो बहुत दुखी हो गया। घर का छोटा छोटा बच्चा लोग बाहर सड़क पर गुब्बारा बेच रहा है, गोलगप्पा बेच रहा है। अरे सरपंच जी, आपका नाक तो कट गया, बल्कि हमारे पूरे धर्मपुरा का नाक कट गया। वो रविंद्र, बस तू चुप कर। उसना साहब, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अपने आंखों से देखिए। हम भी अपने आंखों से देखे हैं और अपना मोबाइल का आंखों से भी देखे हैं। हाँ, हम पहले भी कहे कि हमारा दिल बहुत दुखा कि घर का छोटा छोटा बच्चा लोग बाहर सड़क पर बिजनेस कर रहा है। तो सेना साहब, अब बातें मत बनाइए, दिखाइए मुझे। अब आएगा मजा। मजाक समझे हैं का? रविंदर तुम कितने अच्छे हो स्कूटर खरीदने के लिए। बंदरिया, इतनी मेहनत कर रहे हो, चलो मैं भी कुछ पतंग ले ही लेती हूँ। हाँ लो लो लो, चाबी लो। जैमी, तूने क्या कर डाला? अरे ये क्या किया जैमी? मैंने कुछ नहीं किया। तूने जानबूझ कर गिराया है जैमी। ये तूने क्या किया जैमी? मैंने नहीं किया। तूने किया है? तूने किया है? देखा, मुझे ऐसे ही वाहेगुरु की चाहिए थे जो थोड़े से डिफरेंट हो। अरे बच्चों, तुम लोग कौन हो जो जोकर के कपड़े में बहुत सुंदर लग रहे हो? हम लोग पास के गांव से आए हैं। अंकल जी, आंटी जी, आपको क्या चाहिए बोलिए मुझे। ये वाहेगुरु की तस्वीर किन्ने की है? ये बेचने के लिए नहीं है। देखिए देखिए फोटो में, देखिए इधर ही आगे में है। ठीक है ठीक है, चल के चल चल। आज हम नए घर जा रहे हैं तो वाहेगुरु जी को साथ में ही लेके जाएंगे। रविंदर, तू ये तस्वीर इनको दे दे, तू दूसरी बना लेना। जैसे गुरुदेव तुम्हारे पास हैं, वैसे हमारे घर पे रहेंगे। बोल पुत्र, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1150। 1150 रुपया? ये तो बड़ी महंगी है। वो तो हम अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं अंकल, नहीं तो ये तस्वीर हम आपको ऐसे ही दे देते।
लाइए लाइए लाइए। हाँ चलो मैं ले चलता हूँ। अरे अंकल जी पैसे बहुत ज्यादा दे दिया, ये दीजिए 350 रुपए। क्या हो रहा है ये सब? मैंने तुम लोगों से पूछा क्या हो रहा है ये सब? और रविंदर इधर। बता मैंने वो बजट रेस स्कूटर बिजनेस। ओए साफ साफ बोल। और दादू जी इसलिए हम लोग ने रोहन के स्कूटर के लिए बिजनेस किया, वाहेगुरु की कृपा से हमें इतना सारा पैसा जमा कर लिया है, रोहन का स्कूटर भी आ जाएगा। ओए मैनु एक बात बताओ, ये जोकर का रूप क्यों धारा तुमने? ताकि किसी को पता ना चले कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। आपका सम्मान भी कम ना हो। ओए ओए शाबाश शाबाश मेरे पुत्र शाबाश। ओए तू ही है असली वारिस चौधरी खानदान का। वो मेरे पापा जी थे ना, वो भी बचपन में इसी तरह से अपने दोस्तों की बहुत मदद करते थे बहादुरी के साथ। ओए आस पड़ोस के जितने भी बच्चे थे ना उनको साथ में लेके चलते थे। ओए मुझे वो अपनी हर बात बताते थे। वो तेरे सारे गुण ना वो मेरे पापा जी से मिलते। ओ शाबाश ओ शाबाश शाबाश मेरे पुत्र शाबाश। मेरे पापा जी ना मेहनत के साथ आगे बढ़े और अपने दम पर उन्होंने ये सब कुछ खड़ा किया जिसको आज हम से सब भोग रहे। पर पुत्र ये सब कुछ करते 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 वो पढ़ नहीं पाए, पर तुम लोग तो पढ़ सकते हो ना, तो इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग सारे काम करो मगर पुत्र खूब पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। लेकिन एक बात याद रखना सब लोग, और रोहन का स्कूटर कोई नहीं खरीदेगा। क्यों दादू जी? वो इसलिए नहीं खरीदेगा कि इसका स्कूटर मैं खरीदूंगा। ये, ये, ये। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर।